Welcome back to Radia Classes. So today we are going to discuss about the one-shot revision of waves. जो ये last chapter हमारा physics का class 11 physics का इसका one-shot revision discuss करेंगे waves का. इसमें सारे topics cover करने की कोशिश करेंगे जितने भी topics इसके अंदर हैं जैसे equation of progressive wave, basic of waves से शुरू करते हैं end के topic beats तक. क्योंकि इस साल डॉपलर इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है तो हम डॉपलर इफेक्ट इसके में अंदर डिस्कस नहीं करेंगे. विल डिस्कस एंटायर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर दैट इज बेसिक ऑफ वेव्स, फिर प्रोग्रेसिव वेव, स्पीड ऑफ वेव, न्यूटन फॉर्मूला, लैपलेस करेक्शन. ये बताएंगे सीबीएसई में कौन से आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सीबीएसई एग्जाम में आ सकते हैं. देखिए जो ये चैप्टर है इसमें कॉम्पिटेटिव लेवल का भी आपको पढ़ाया जाएगा. जो हम करते हैं ऑर्गन पाइप्स करते हैं, जैसे हम ओपन ऑर्गन पाइप करेंगे, क्लोज ऑर्गन पाइप करेंगे या फिर स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग करेंगे, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं. फटाफट से एक बार वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो लाइक जरूर कर देना जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो न्यू यूजर है. बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए, वन शॉट रिवीजन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है. एक दो लेक्चर पेंडिंग है जिसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक, और बात रहेगी उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल सीरीज की. बहुत जल्दी न्यूमेरिकल सीरीज शुरू होगा, वो एक दो लेक्चर जो पेंडिंग है उसको कंप्लीट करके हम न्यूमेरिकल सीरीज शुरू करेंगे. क्लियर. और उसके बाद मैथ्स की बात चल रही थी हमारे पास, मैथ्स वन शॉट रिवीजन सीरीज वो भी साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे. देखिए न्यूमेरिकल सीरीज और मैथ्स वन शॉट रिवीजन सीरीज साथ साथ कंटिन्यू रखी जाएगी, दोनों एक साथ चलाने वाले हैं. सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप अभी चैनल से जुड़ रहे हो तो. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये वेव्स के बारे में. वेव्स क्या होती है बेसिक से डिस्कस करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट्स आपको बताऊंगा वेव्स क्या होते हैं, उसके बाद डिस्कस करूंगा उसके अंदर स्टेशनरी वेव, उसके अंदर डिस्कस करूंगा प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. चलिए सबसे पहली बात करता हूँ वेव्स होता गया. देखिए आज तक इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा ऑसिलेशन में दैट पार्टिकल एक पॉइंट पे ऑसिलेट कैसे करता है, एक पॉइंट पे ऑसिलेट कैसे करता है वो हमने करा था वेव्स के उसमें ऑसिलेशन के अंदर डिस्कस करा था. ऑसिलेशन में क्या करा भी, एक पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कैसे करता है, कैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं. ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास. तो अगर बता दूं क्या बोला था मैंने वेव मोशन के अंदर, एक पार्टिकल एक मीडियम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में इंटरएटॉमिक सेपरेशन बहुत कम होता है, ये पार्टिकल्स इस टाइप से पड़े होते हैं. सपोज मैंने एक पार्टिकल को वाइब्रेट कर दिया, एक पार्टिकल को यहां से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देके वाइब्रेट कर दिया, ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होना शुरू हो गया. इतनी बात ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं. ठीक, ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होना शुरू हो गया, इसने अपने नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी दी, ये अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट हो रहा था, इसने अपने नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी दी, ये भी वाइब्रेट होना शुरू हो गया, फिर इस पार्टिकल ने अपने नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी दी, ऐसे एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर होती गई, ऐसे एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर होती गई, मतलब कुछ टाइम बाद जो पार्टिकल बहुत दूर पड़ा था वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा. मतलब ड्यू टू रिपीट वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट द मीन पोजीशन, एक पार्टिकल के अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करने की वजह से एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल कर रही थी, एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल कर रही थी. इतनी बात क्लियर हुई, एक पार्टिकल के अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करने से एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल कर रही थी, एंड दिस प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू रिपीट वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड वेव मोशन, इज कॉल्ड वेव मोशन. इतनी बात क्लियर हुई यहां पे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एक पार्टिकल का रिपीटेड वाइब्रेशन होगा अबाउट देयर मीन पोजीशन, किसके अबाउट देयर मीन पोजीशन. इतनी बात क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से आप डिस्कस कर सकते हो इसके अंदर. द प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का आगे की तरफ जाना किस वजह से, एक पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट होने की वजह से, इसको मैं क्या बोलता हूँ वेव मोशन, एंड दिस इज कॉल्ड अ वेव मोशन. ध्यान से सुनिएगा इसको, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ. चलिए नाउ इसके बाद डिस्कस करता हूं भी, इसके अंदर ये जो वेव प्रोपेगेशन होता है, ये हमने वेव को प्रोपेगेट करा दिया यहां से. द प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू रिपीट वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड वेव मोशन. इसको क्या बोला जाएगा हमारे पास, वेव मोशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है. अब इसके अंदर क्या बोलता हूं, क्या पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, नहीं, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे ही मूव कर रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे ही ऑसिलेट कर रहे हैं, एनर्जी आगे की तरफ जा रही है. ठीक, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो दो से तीन पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे पहली बात क्या होगा, देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर्स, या फिर इसके अंदर
material particle will not move, material particle will not move from one point to another, will not move from one point to another. एक point से दूसरे point पे नहीं जाएंगे, particles अपनी position के about ही vibrate होंगे. They vibrate about their own position. They vibrate about their mean position. They vibrate about their mean position. बहुत important point है. इसका confusion दूर कर लो, wave motion समझ आ जाएगा. ये confusion दूर कर लो, ये आपको wave motion समझ आ जाएगा. ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ. Particles इस type से vibrate हो रहे हैं, अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट होंगे, पार्टिकल्स आगे की तरफ चल के नहीं जाएंगे. जो आगे की तरफ चल के जाएगी इनकी एनर्जी, एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करेगा, तीसरा चौथे को ट्रांसफर करेगा, मतलब इस साइड एनर्जी जा रही है. इस एनर्जी के जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेव मोशन. अब पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन पे रहेंगे, उनका एक पार्टी मटीरियल पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव नहीं करने वाले. दूसरी बात, ये वेव वेलोसिटी, ये एनर्जी जिस स्पीड से जाती है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट. इस एनर्जी को मैं नाम दे रहा हूं वेव. ये वेव इस तरफ मूव करती है, दिस इज कॉल्ड अ वेव मोशन. और इसका वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट. इसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट. एक मीडियम में वेव वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती. वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन अ मीडियम. वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन अ गिवन मीडियम. इज कांस्टेंट इन अ गिवन मीडियम. एक गिवन मीडियम में वेव वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. ये दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेव मोशन के अंदर, वो डिस्कस कर रहा हूं आपके पास. तीसरा पॉइंट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए वेव वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, जिस स्पीड से ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक, ध्यान से सुनना, जिस स्पीड से पार्टिकल मूव एनर्जी मूव कर रही है वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट. लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है, पार्टिकल जब मेन पोजीशन से क्रॉस करेगा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये पार्टिकल ऊपर गया, यहां पे रुकेगा, फिर अपनी मैक्सिमम स्पीड से मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, फिर नीचे जाके फिर रुकेगा, और फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करता हूं, फिर हमारे पास एक्सट्रीम पे जाएगा, मतलब इस टाइप से ऑसिलेट करने वाला है. तो कहने की बात क्या है, एक पार्टिकल वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है, यहां पे जाके एक्सट्रीम पे जाके जीरो, इस एक्सट्रीम पे जाके जीरो, मीन पे मैक्सिमम, लेकिन जो वेव वेलोसिटी है वो क्या रहेगी हमारे पास, कॉन्स्टेंट. पार्टिकल वेलोसिटी is variable, particle velocity is variable or changes with time. Particle velocity is variable, it is maximum at mean position. ये mean position पे तो maximum है, it is maximum at mean position and zero at extreme position. और extreme position पे कितनी होती है हमारे पास, zero. इतनी बात clear हुई, फटाफट से एक बार comment section में बता दो, live chat option में बताओ, क्या particles आगे की तरफ जाएंगे, क्या पार्टिकल्स इस केस के अंदर आगे की तरफ जाएंगे. कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या पार्टिकल्स इसके अंदर आगे जाने वाले हैं, जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या इसके अंदर पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव करने वाले हैं. नो, नहीं. विजय गोस्वामी तमन्ना का आंसर भी नहीं, इसके अंदर मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल्स अपनी पोजिशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन के अबाउट. बहुत बढ़िया आंसर सभी के, नो. चलिए, पार्टिकल्स इसके अंदर वाइब्रेट करेंगे अपनी पोजीशन के अबाउट, आगे नहीं जाएंगे. आगे कौन जाएगा, एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड वेव. और इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, वेव. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट. पार्टिकल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, जो वेलोसिटी चेंज होगी वो कौन सी, सॉरी, वेव वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, जो चेंज होगी वो कौन सी होगी हमारे पास, पार्टिकल वेलोसिटी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब बात करता हूं इसके अंदर टाइप्स ऑफ वेव की, वेव्स कितने टाइप की होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. तीन टाइप की वेव्स होती है. सबसे पहले हमारे पास कौन सी होगी, मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर मीडियम. जिसको क्या चाहिए होता है हमारे पास, विच रिक्वायर मीडियम. जिसको मीडियम चाहिए होगा वो कौन सी होगी, मैकेनिकल वेव. सभी को पता, ठीक है. जैसे अब इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग अटैच कर दूंगा और स्ट्रिंग को एक रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दिया, और जब स्ट्रिंग को रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दिया, इसके अंदर जर्क प्रोड्यूस करा, जब इसके अंदर जर्क प्रोड्यूस करा, इस टाइप से स्ट्रिंग के अंदर वेव मूव करेगी. देखिए क्या कर रहा हूं, एक रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग को अटैच कर रहा हूं, और स्ट्रिंग को अटैच करने के बाद इसके अंदर जर्क प्रोड्यूस कर दिया, तो ये स्ट्रिंग के अंदर वेव इस टाइप से मूव करने वाली है. एंड और इसके लिए हमारे को स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है, सो हमारे को दिख रहा है ये वेव इस टाइप से मूव कर रही है, सो दिस इज कॉल्ड अ मैकेनिकल वेव. इसको क्या बोला जाएगा हमारे पास, मैकेनिकल वेव. क्लियर, विच रिक्वायर मीडियम. फॉर एग्जाम्पल वेव इन अ स्ट्रिंग
जो एक रस्सी के अंदर वेव आती है, या एक और एग्जांपल है वाटर वेव्स, क्योंकि वाटर वेव्स बनाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और अगर मीडियम चाहिए हो तो मैकेनिकल वेव होगा। सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की जाए, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिक्वायर नो मीडियम, रिक्वायर नो मीडियम, इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती मीडियम की, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल आते हैं एक्सरेस, एक्सरेस को कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है हमारी बॉडी से निकलती है, उसको कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है, जितनी भी होगी गामा रेज होगी, एक्सरेज होगी, ये सब कुछ है, ये सारे हमारे पास कौन से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। फिर थर्ड वन, ये हम क्लास ट्वेल्थ में पढ़ने वाले हैं, ये क्लास ट्वेल्थ में पढ़ने वाले हैं, ये हमने इलेवंथ क्लास में पढ़ना है, ये आज की पूरे लेक्चर में मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमारे पास ट्वेल्थ क्लास का एक और टॉपिक है मेटल वेव्स, फिर एक और टॉपिक आएगा हमारे पास मेटल वेव्स। आपने केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के अंदर डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ी हुई है आपने, ठीक, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ी हुई है, उसके अंदर मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दी वेव्स एसोसिएटेड विथ, जो वेव्स किसकी होती है, दी वेव्स एसोसिएटेड विथ मटीरियल पार्टिकल्स लाइक, हर एक मटीरियल किसका बना होता है, एटम्स का, एटम्स के अंदर हमारे पास क्या होंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन, और हमारे पास क्या होगा, फिर उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, क्लियर। द वेव्स एसोसिएटेड विद मटीरियल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल वेव। इसको हम क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके अंदर डिस्कस करने वाले बहुत अच्छे से डिटेल में। क्लास 11 में सिर्फ आपने मैकेनिकल वेव पढ़नी है, मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोपेगेशन के लिए। अब हमने मैकेनिकल वेव पढ़नी थी, जिसको मीडियम रिक्वायर होगा, जिसको मीडियम नहीं रिक्वायर होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको जो मटेरियल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के पास वेव होगी, क्योंकि जब ये मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अंदर से वेव निकलेगी, जब प्रोटॉन मूव करेगा उसके अंदर से वेव निकलेगी, सो इस वेव को क्या बोलता हूं मैं, दैट इज कॉल्ड अ मैटर वेव। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, ये मैकेनिकल वेव कितने टाइप की होती है, सबसे पहले डिस्कशन इसके अंदर मैकेनिकल वेव, फर्स्ट टाइप कौन सा इसका ट्रांसवर्स वेव। सबसे पहली होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं इसके अंदर, ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, अगर एक पार्टिकल ध्यान से सुनना, मैं स्ट्रिंग का एग्जांपल लेता हूं, एक रिजिड सपोर्ट से मैंने स्ट्रिंग को अटैच कर दिया और इसके अंदर यहां से जर्क प्रोड्यूस कर दिया, मतलब एक बहुत ज्यादा मोशन प्रोड्यूस कर दिया, इस टाइप से वेव मूव करने वाली है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मैंने आपको, इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे भी मैंने क्या करा, यहाँ से जर्क प्रोड्यूस कर दिया, इस टाइप से वेव इसके अंदर जाने वाली है। ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग को अटैच कर लेना। देखिए, जो जिम जाते हैं उनको पता होगा भी, क्रॉसफिट सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है, क्रॉसफिट इन द जिम, जिम के अंदर जो क्रॉसफिट होती है बिल्कुल ऐसी क्रॉसफिट यूज करते हैं और उस स्ट्रिंग के अंदर वेव जाती है। अब इसके अंदर पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं लेकिन एनर्जी इधर जा रही है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाएंगे एनर्जी राइट साइड में जाएगी, मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन ध्यान से सुनना, पार्टिकल का वाइब्रेशन एनर्जी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। पार्टिकल इस साइड से ऊपर नीचे जाएंगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, मैंने रिजिड सपोर्ट से स्ट्रिंग अटैच कर दी और उसको यहां से जर्क प्रोड्यूस कर दिया, इस टाइप से वेव उसके अंदर जाती है, पार्टिकल इसके ऊपर नीचे मूव होते हैं लेकिन वेव इस साइड जा रही है। अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन एनर्जी के, ध्यान से सुनना, ये वेव प्रोपेगेशन इस तरफ हो रही है, वेव इस तरफ जा रही है और पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसी वेव इन विच द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब जिस साइड वेव प्रोपेगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे तो कौन सी वेव आएगी, ट्रांसवर्स वेव। ये कौन सी वेव होने वाली है हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव, और इसकी जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट।
और जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट साइड है उसको क्या बोलेंगे, ट्रफ। इसकी जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट साइड है ऊपर की तरफ वेव बनेगी, ये क्या होता है हमारे पास, क्रस्ट, और जो नीचे की तरफ बनेगी दिस इज कॉल्ड ट्रफ, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। ध्यान से सुनना, ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स वेव में जो वाइब्रेशन है वो वेव के परपेंडिकुलर होते हैं, वेव इस साइड जा रही थी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होंगे, क्लियर। सो ये कौन सी होगी हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव, और इसके अंदर ये किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। बेसिकली तीन टाइप की वेव्स होती है हमारे पास, कौन कौन सी, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड होता है, उसके दो टाइप होते हैं मैकेनिकल वेव के, दो टाइप। पहला टाइप है ट्रांसवर्स वेव, एक ऐसी वेव होती है जिसके अंदर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं, परपेंडिकुलर टू दी वेव मोशन वाइब्रेशन होगी, वेव इधर जा रही है, एनर्जी इस तरफ जा रही है, वाइब्रेशन इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया स्ट्रिंग के अंदर जो वेव ट्रेवल करती है, और ये किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट साइड क्रस्ट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट साइड ट्रफ, ठीक। इतनी बात ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल वेव इन अ स्ट्रिंग किसके अंदर होती है, एक रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव ट्रेवल करती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। दूसरा टाइप है इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा टाइप कौन सा इसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव से पहले, इसको समझाने से पहले मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, साउंड वेव्स, जितनी भी साउंड वेव्स है, मैं बोल रहा हूं मेरी साउंड निकल रही है, ये किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, किस फॉर्म में ट्रेवल, साउंड वेव कौन सी वेव है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव, कैसे लॉन्गिट्यूडनल है वो डिस्कस करता हूं, ठीक। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी है हमारे पास, साउंड वेव। इस साउंड वेव को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, पहले मुझे एक बात बता दो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती है, क्या साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती है, ध्यान से सुनना, क्या साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती है, कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार, सौरभ आर्या नो, चलिए फटाफट से आंसर बताइए, क्या साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती है, ये चीजें आपने सुनी हुई है, नो, साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट अ मीडियम, बिना मीडियम के वो ट्रेवल नहीं कर सकती। तो यहां से एक बहुत बढ़िया आंसर मिला हमारे को, बी, ये एक मैकेनिकल वेव है, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव किस लिए, क्योंकि बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं करती, बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं करती इसलिए ये मैकेनिकल वेव है, ये मैकेनिकल वेव का टाइप है, और कौन सा हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ध्यान से सुनना, किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, सपोज ये एक मीडियम था, ये एक होमोजीनियस मीडियम था, होमोजीनियस मीडियम का मतलब सारी जगह डेंसिटी सेम है, सारी जगह डेंसिटी सेम है, सारी जगह मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी सेम है, देख रहे हो, आपको दिख भी रहा होगा भी, इसके अंदर इक्वल स्पेसिंग है, इसके अंदर इक्वल स्पेसिंग है, ठीक। अब मैंने यहां से साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, इसके पीछे भी सारा मीडियम होगा, क्या देख रहा हूं, जैसी साउंड इससे स्ट्राइक करेगी, साउंड के पास है एनर्जी, साउंड के पास है एनर्जी, मैं बोल रहा हूं मैंने एनर्जी निकाल ली अपनी, साउंड एनर्जी निकाल ली, वो एनर्जी की वजह से इन मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगेगा, इन मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगा तो इन मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगने के बाद प्रेशर बढ़ जाएगा, इन मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगने के बाद प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान से सुनना, इन मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगेगी एनर्जी की वजह से और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, मतलब यहां पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा, यहां पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा, और इसके पीछे या मेरे पीछे जहां से मैं बोल रहा हूं वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर रीजन होगा, वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर रीजन होगा, दिस रीजन इज कॉल्ड लो प्रेशर, क्योंकि यहां पे कोई साउंड प्रेजेंट नहीं है। सपोज मैं यहां खड़ा होकर अपनी साउंड को यहां से साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, जहां साउंड आगे की तरफ जा रही है वहां पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा, मेरे पीछे लो प्रेशर रीजन होगा, मेरे पीछे लो प्रेशर रीजन होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे निकल के मॉलिक्यूल आना शुरू हो जाएंगे, मॉलिक्यूल हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे निकल के आना शुरू हो जाएंगे, और जैसी हाई प्रेशर से निकल के लो प्रेशर पे आएंगे, जहां पे हाई प्रेशर हुआ था वहां पे मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो जाएगा, और लो प्रेशर वाले रीजन में मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल इधर गए, फिर जब यहां से साउंड चली जाएगी इधर हमारे पास हाई प्रेशर होगा कोलिजन की वजह से, दोबारा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, यहां पे हाई प्रेशर की वजह से पीछे आ गए, इनकी वजह से यहां पे हमारे पास क्या हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स लगाएंगे फिर मॉलिक्यूल इधर चले जाएंगे, मतलब इसका वाइब्रेशन ऐसे, पहले कुछ मॉलिक्यूल पीछे की तरफ आए फिर मॉलिक्यूल आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ फिर आगे की तरफ, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा था, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा था, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए समझ सकते हो आप इसको, ध्यान से सुनना क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बोल रहा हूं,
पार्टिकल्स पहले पीछे की तरफ आए फिर आगे की तरफ, पीछे की तरफ आगे की तरफ, ऐसे मॉलिक्यूल मूव करेंगे। और यहां पे जो साउंड वेव है वो साउंड वेव भी इसी तरफ जा रही है, वो साउंड वेव भी इसी तरफ जा रही है। अगर आपकी वेव, अगर वेव भी इस तरफ जा रही है और वाइब्रेशन भी इसी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, वाइब्रेशन भी इसी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, अगर वाइब्रेशन भी इसी सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो कौन सी वेव होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? अगर वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होगा तो कौन सी वेव होगी? ट्रांसवर्स। अगर वाइब्रेशन वेव की सेम डायरेक्शन में होगा, अगर वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में होगा और अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। तब कौन सी होगी मेरे पास? लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे डेफिनेशन में लिखा, द वेव इन विच particles of the medium vibrate in the direction of wave, वो perpendicular to wave थे, अब ये wave की same direction में vibrate करेंगे, vibrate in the direction of wave is called longitudinal wave, उसको क्या बोला जाता है हमारे पास? longitudinal wave। जैसे ये ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती थी, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? आपको क्या पता चला? एक साइड मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हो गए थे, एक साइड मॉलिक्यूल कम हो गए थे, मतलब एक जगह मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल आना शुरू हो गए, और एक जगह मॉलिक्यूल बहुत कम हो गए, क्लियर? ध्यान से सुनना, एक जगह मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत ज्यादा, एक जगह मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत कम। अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत ज्यादा था, दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन, जहां पे मॉलिक्यूल्स का नंबर कम है दिस रीजन इज कॉल्ड रेयर फिक्शन। जैसे ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रेयर फैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। मतलब यहां पे डेंसिटी का चेंज होता है, कंप्रेशन का मतलब क्या बोल रहा हूं? यहां पे कंप्रेशन क्रिएट कर दिया, मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या होगा? मतलब हाई डेंसिटी होगी। यहां पे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होगी? हाई। यहां पे हाई डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल होगी, और यहां पे क्या होगी? लो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पे क्या होगी हमारे पास? लो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इतनी बात क्लियर होगी? ध्यान से सुनना क्या बातें बोल रहा हूं। मैकेनिकल वेव दो टाइप की, जिस वेव को मीडियम रिक्वायर्ड होता है वो भी दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक ट्रांसवर्स, और दूसरी कौन सी हमारे पास? लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होती है, और लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल वाइब्रेशन होती है, ट्रांसवर्स वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? क्रस्ट और ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? कंप्रेशन और रेयर फिक्शन। क्या इतनी बातें क्लियर होगी? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, एक बार लाइव चैट ऑप्शन में बताओ क्या ये क्लियर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार। बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में, फिर आगे की तरफ डिस्कशन लेके चलते हैं इसकी। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव सारी डिस्कस हो चुकी है, फिर ये बताएंगे भी वेव को ट्रेवल करने के लिए, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, चलिए नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम फॉर द वेव प्रोपेगेशन, एक मीडियम की प्रॉपर्टी फॉर वेव प्रोपेगेशन, अगर हमें वेव को प्रोपेगेट कराना है, क्लियर? ध्यान से सुनना, एक मीडियम की तीन प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती है अगर मुझे वेव को आगे लेके जाना है, अगर एनर्जी को आगे लेके जाना है तो उसके अंदर मटेरियल की तीन प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती है। वो कौन सी तीन प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक? अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से। सबसे पहली बात, जो ट्रांसवर्स वेव है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ।
ट्रांसवर्स वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, किस फॉर्म में ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर सकती है। पहला पॉइंट बता रहा है आयुष शर्मा, इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन क्यों रिक्वायर होती है वो बताता हूं उसके अंदर, बताइए कमेंट सेक्शन में। ट्रांसवर्स वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट रफ, बहुत बढ़िया आंसर। क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, क्या सभी का आंसर यही है क्या, क्रस्ट और ट्रफ, बहुत बढ़िया सही सही आंसर सभी का, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है, पहले क्रस्ट बनेगा वो अपनी शेप पे वापस आएगी, फिर ट्रफ बनेगा फिर अपनी शेप पे वापस आएगी, मतलब अगर एक वेव बनानी है तो उसको अपनी शेप पे वापस आना जरूरी है। तो अपनी शेप पे वापस कौन लेके आता है, इलास्टिसिटी, द फेनोमेना ऑफ रीगेनिंग द शेप, द फेनोमेना ऑफ रीगेनिंग द शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है, सो दैट द बॉडी कैन रीगेन इट्स शेप। अगर बॉडी ने अपनी शेप को रीगेन ना करा तो क्रस्ट का क्रस्ट ही बना रह जाएगा, वो वापस आएगा ही नहीं, क्रस्ट से वापस आना जरूरी है, फिर ट्रफ बनेगा, फिर वापस जाना जरूरी है, फिर क्रस्ट बनेगा, ठीक है। तो पहली बात यहां पर डिस्कस हुई, यहां पर हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी किस लिए रिक्वायर्ड है, सो दैट बॉडी कैन रीगेन इट्स शेप, बॉडी अपनी शेप को क्या कर सके, रीगेन कर सके। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी बात, दूसरा इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होता है, इनर्शिया, इनर्शिया मींस होता है मास। देखिए इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एमवी स्क्वायर, बिना मास के काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती। अब देखिए वेव प्रोपेगेशन का बेसिक मतलब यही है, एनर्जी का ट्रेवल करना, और अगर एनर्जी ट्रेवल ना करे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं यहां से, एक वेव प्रोपेगेशन का मतलब क्या, एनर्जी का ट्रेवल करना, और एनर्जी तभी स्टोर होगी जब इसके पास मास होगा, मतलब इनर्शिया का होना जरूरी है, इनर्शिया का होना जरूरी है, सो दैट बॉडी कैन स्टोर काइनेटिक एनर्जी। वैसे तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर आपने वेव को लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रोपेगेट कराना है तो मीडियम, जो मीडियम है उसका फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम फ्रिक्शन। ध्यान से सुनना, वेव को बनाने के लिए दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इलास्टिसिटी की, ताकि वो अपनी शेप को रीगेन कर सके, दूसरी रिक्वायरमेंट है मास की, दैट इज इनर्शिया की, सो दैट वो अपने अंदर क्या कर सके, एनर्जी स्टोर करा सके। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या हमारे पास मिनिमम फ्रिक्शन की, सो दैट वेव क्या हो सके, ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके। ठीक, ध्यान से सुनना, फिर इसके बाद डिस्कशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो डिस्कशन किस चीज की है, मीडियम थ्रू विच ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल। ऐसे कौन कौन से मीडियम है जिसके अंदर से ट्रांसवर्स वेव जा सकती है। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, कौन कौन से मीडियम है जिसके अंदर से ट्रांसवर्स वेव जा सकती है। ट्रांसवर्स वेव होती क्या, क्रस्ट और ट्रफ, मतलब क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिसके अंदर वाइब्रेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से ट्रांसवर्स वेव उसी मीडियम में ट्रेवल करेगी, जिसके अंदर हमारे पास शेप का चेंज हो रहा है, ये पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ये शेप का चेंज होना जरूरी है, उसी मीडियम में ट्रेवल करेगी विच कैन चेंज इट्स शेप, जिसके अंदर इलास्टिसिटी होगी। इलास्टिसिटी होने का मतलब जिसके अंदर शेप चेंज हो सकती है जिसकी, और शेप चेंज होने का मतलब इसके अंदर शियर मॉडुलस होगा, जिसके पास शियर मॉडुलस होगा। आपने सॉलिड्स में पढ़ा होगा, सॉलिड्स में क्या पॉइंट पढ़ा, शेप चेंज होने का मतलब क्या होता है हमारे पास, शियर मॉडुलस। जिस बॉडी के पास शियर मॉडुलस होगा उसी के अंदर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। जिस बॉडी के पास शियर मॉडुलस होगा उस बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होती है, ये ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर सकती है। अब शेप चेंज किसकी हो सकती है, ऐसी कौन सी, देखिए ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एक सॉलिड है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, क्या आप वाटर को ऐसे हाथ में कंप्रेस कर सकते हो, नहीं, बिल्कुल उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते आप। अगर आप एक वाटर को ऐसे कंप्रेस नहीं, मतलब यहां पे उसकी शेप नहीं चेंज कर पाओगे, क्या वाटर को ऐसे दबा के उसकी शेप चेंज कर दोगे हाथ में, नहीं हो सकता, ना ही गैसेस की हो सकती। लेकिन आप स्पंज बॉल को सोच के देखिए, स्पंज बॉल को आप कंप्रेस कर सकते हो,
स्पंज बॉल को कंप्रेस कर सकते हो विच इज अ सॉलिड। सॉलिड कुछ एक ऐसे सॉलिड होते हैं जिनको आप कंप्रेस उनकी शेप चेंज कर सकते हो। अगर उनकी शेप चेंज कर सकते हो तो सॉलिड के अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है। सॉलिड्स के अंदर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है, पहला एग्जांपल, पहली बात ये होगी विच सॉलिड्स के अंदर ट्रेवल करती है। और दूसरा, और कहीं भी ट्रेवल करती है, लिक्विड में तो जाती नहीं, स्पंज कह सकते हो, रबड़ कह सकते हो, रबड़ एक सॉलिड है जिसके अंदर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है। दूसरी बात, आपने ये पढ़ा होगा लिक्विड में सरफेस टेंशन के बारे में, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड उसका शेप चेंज हो सकता है। जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है, लिक्विड का फ्री सरफेस नीचे की तरफ लटका हुआ नजर आता है, ठीक, नीचे की तरफ लटका हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड नीचे की तरफ लटका हुआ नजर आ रहा है, तो मतलब इसकी भी शेप चेंज हो सकती है। तो यहां पे दूसरा क्या होगा, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड का फ्री सरफेस पे ये ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर सकती है क्योंकि उसका शेप चेंज हो सकता है, क्योंकि उसका शेप चेंज हो सकता है। क्लियर, इतनी बात समझ आई, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, सॉलिड्स के अंदर और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के अंदर ये वेव ट्रेवल करती है, कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव, इसके अलावा ट्रांसवर्स वेव कहीं ट्रेवल नहीं कर सकती, इसके अलावा ट्रांसवर्स वेव कहीं ट्रेवल नहीं कर सकती। क्लियर, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना, मीडियम थ्रू विच लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रेवल, मीडियम थ्रू विच लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रेवल। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन कौन से मीडियम से ट्रेवल कर सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन कौन से मीडियम से ट्रेवल कर सकती है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, ध्यान से सुनना, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से, लॉन्गिट्यूडनल वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, एंड विच फॉर्म, जैसे ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से। कंप्रेशन एंड रेयर फिक्शन, बहुत बढ़िया, कंप्रेशन एंड रेयर फिक्शन, सभी आंसर कीजिए, कंप्रेशन एंड रेयर फिक्शन, बहुत बढ़िया आंसर, सभी के बहुत बढ़िया आंसर, कंप्रेशन और रेयर फिक्शन की फॉर्म में। बहुत बढ़िया आंसर, कंप्रेशन और रेयर फिक्शन की फॉर्म में। अब कंप्रेशन का मतलब होता है हाई डेंसिटी, रेयर फिक्शन का मतलब लो डेंसिटी। इट ट्रेवल्स इन द मीडियम, उस मीडियम में ट्रेवल करेगी, इट ट्रेवल्स इन द मीडियम दैट हैज वेरिएबल डेंसिटी, व्हिच हुज डेंसिटी कैन चेंज, हुज वॉल्यूम एंड डेंसिटी कैन चेंज, वॉल्यूम एंड डेंसिटी कैन चेंज, ठीक, जिसका वॉल्यूम और डेंसिटी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, मतलब वॉल्यूम और डेंसिटी का चेंज होना, जैसे मैंने बताया शेप का चेंज होने के लिए शेयर मॉडुलस होता है, वॉल्यूम के चेंज होने के लिए क्या होता है, बल्क मॉडुलस, मतलब ऐसे मीडियम में ट्रेवल करेगी जिसके पास बल्क मॉडुलस है, ऐसे मीडियम में ट्रेवल करेगी जिसके पास बल्क मॉडुलस है, इतनी बात क्लियर हुई, ऐसे मीडियम में ट्रेवल करेगी जिसके पास क्या, हमारे पास बल्क मॉडुलस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके पास क्या होगा, बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस किसके पास होता है, वो सॉलिड के पास भी होता है, वो लिक्विड के पास भी होता है, वो गैसेस के पास भी होता है, वो किसके पास होता है, सॉलिड के पास भी, लिक्विड के पास भी और गैसेस के पास भी, तो तीनों के अंदर ट्रेवल करती है। अब ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, अभी बता दिया स्पंज, एक स्पंज बॉल जिसको हम कंप्रेस, मतलब कुछ एक लिक्विड है जो कंप्रेस नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे भी है जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे स्पंज बॉल होगी जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जिसका वॉल्यूम हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सब में ट्रेवल करती है। सॉलिड के अंदर उसको वापस कौन लेके आता है, उसकी वॉल्यूम को कौन चेंज कराता है, बल्क मॉडुलस, मतलब जब वॉल्यूम चेंज होगा मतलब बल्क मॉडुलस चेंज कराएगा। इतनी बात हमारे को क्लियर होगी। अब मैं कुछ एक डेफिनेशन बताने वाला हूं यहां से, वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी डेफिनेशन इसके अंदर आएंगी। सबसे पहली डेफिनेशन देखिए, इनकी डेफिनेशन लिखवाने नहीं वाला मैं आपको, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, एक वेव ट्रेवल कर रही थी, ये ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। इसका जो डिस्टेंस होगा, एक वेव का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ये बहुत आसान चीजें हैं, ये आप सभी को पता होती हैं, इसलिए मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा। एक वेव को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना था दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसको एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड।
इसको एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इसकी वेवलेंथ क्या हमारे पास लैम्डा, और इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इतनी बात क्लियर हुई, व्हाट इज एन एम्पलीट्यूड, व्हाट इज अ टाइम पीरियड, व्हाट इज दी वेवलेंथ, ये सब आपको पता होना चाहिए। और एक सेकेंड में जितनी वेव्स बनेंगी, नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में ऐसी कितनी वेव्स बनती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे क्या बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/T, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/T, और इसकी यूनिट क्या होती है हर्ट्ज। ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा, ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी पढ़ा, ठीक। अब इसके अंदर कुछ एक डेफिनेशन और ऐड करूंगा, इसके अंदर कुछ एक डेफिनेशन और ऐड करूंगा। सबसे पहले एंगुलर वेव नंबर, सबसे पहले वेव नंबर, सबसे पहली डेफिनेशन वेव नंबर की, व्हाट इज अ वेव नंबर, वेव नंबर का सिंबल क्या होगा वी बार, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को वेव नंबर बोलता हूं, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को वेव नंबर बोलता हूं। दूसरी बात एंगुलर वेव नंबर, अब ये एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, इसी चैप्टर के अंदर एंगुलर वेव नंबर का यूज करूंगा, के, इसका सिंबल के। अगर मैं वेव नंबर को 2π से मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट एंगुलर वेव नंबर, 2π बाय लैम्डा इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, 2π बाय लैम्डा इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर। इतनी बात क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये एक वेव का डिस्टेंस वेवलेंथ, उसको टाइम कितना लगेगा टी, उसको टाइम कितना लगेगा टी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/T, वेव नंबर क्या होगा 1/λ, एंगुलर वेव नंबर क्या होगा 2π/λ, एंगुलर वेव नंबर क्या होगा 2π/λ। फिर ये सारा कुछ हमने डिस्कस करना था इसके अंदर। नाउ विल मूव टू द वेव वेलोसिटी। आपको बताया था वेव कांस्टेंट स्पीड से जाती है, क्या स्पीड होती है वो, पार्टिकल्स तो वाइब्रेट करते रहेंगे, उसकी स्पीड हमने SHM में पढ़ ली, मैक्सिमम होती है कहां पे मीन पोजीशन पे, मिनिमम कहां पे होती है जीरो, कहां पे होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, कैसे चेंज करती है डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वेव जब प्रोपेगेट करती है उसकी स्पीड क्या होती है, वेव जब प्रोपेगेट करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेव वेलोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वेव वेलोसिटी। ये सारी डेफिनेशन से ही आपको मिलने वाला है, ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वेव वेलोसिटी का, एक फॉर्मूला आपको मिलने वाला है, एंड इट विल नेवर चेंज, एक मीडियम के लिए हमेशा फिक्स रहने वाला है, एक मीडियम के लिए वेव वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहने वाली है, ठीक। सपोज ये एक वेव थी, ये एक वेव थी, इस वेव का डिस्टेंस कितना होता है हमारे पास लैम्डा, इस वेव का डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा, और इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है टी, इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है टी। केमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन, चलिए मैथ्स का बना दे देंगे आपके लिए, मैथ्स का वन शॉट रिवीजन बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, मैथ्स की वन शॉट रिवीजन सीरीज। केमिस्ट्री का इसलिए नहीं बनाते क्योंकि अब इसका रीजन बिल्कुल जनरली बताया जाए तो जितना जो कंसेप्ट क्लियर मेरा अपना खुद का मैथ्स का और फिजिक्स का है उतना केमिस्ट्री में मेरा होल्ड नहीं है, तो इसलिए मैं वो चीज नहीं प्रोवाइड करूंगा जो आपको गलत लगे, ठीक। इसलिए केमिस्ट्री का एक टीचर अवेलेबल कराने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं भी, मैं अवेलेबल कराने की कोशिश कर सकता हूं, अगर वो टीचर अवेलेबल हो जाता है तो ठीक, हम वन शॉट रिवीजन ले आएंगे, अदरवाइज इस चीज के लिए थोड़ा सा सॉरी है मेरी तरफ से, ठीक है। और बात रही मैथ्स की वन शॉट रिवीजन जरूर आएगी क्योंकि बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, मेरी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वहां पे केमिस्ट्री से थोड़ा सा लिंक, बहुत टाइम के बाद मेरा लिंक होता है, वहां से लिंक नहीं था मेरा, तो केमिस्ट्री में इसलिए थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है सही बात करें तो। लेकिन बात करूं मैथ्स की और फिजिक्स की, वो पूरा कंप्लीट कराने वाला, ठीक। चलिए अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ध्यान से सुनना, वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी आज तक कैसे निकालते आएंगे, आपने क्या सुना डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टाइम से, यू विल गेट वेव वेलोसिटी, ठीक। डिस्टेंस कितना है इसका लैम्डा, और सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा इसको टी, तो ये फॉर्मूला आ गया वेव वेलोसिटी का, वेवलेंथ अपॉन कैपिटल टी दैट इज टाइम पीरियड, नाउ 1 अपॉन टाइम पीरियड किसके बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, सो वेव वेलोसिटी वी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू म्यू, लैम्डा इनटू म्यू, वेव वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू वेवलेंथ, विल बिकम इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, इनटू फ्रीक्वेंसी। इतनी बात क्लियर होगी, जो वेव वेलोसिटी है वो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, जो वेव वेलोसिटी है वो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार फटाफट से, हाँ जी गौरव सिंह जी आप भी बता दो क्या क्लियर हो गया, ये बताइए फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में क्या ये डेफिनेशन क्लियर हुई। इसके बाद चलूंगा स्पीड ऑफ वेव की तरफ, वेव की स्पीड कितनी होती है, कौन से मीडियम में कितनी होती है, कौन सी वेव की स्पीड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में।
चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया बात. नेक्स्ट डिस्कशन स्पीड ऑफ वेव. और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलने वाला है, दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैपलेस करेक्शन. न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैपलेस करेक्शन, क्लियर? तो नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ वेव. इसका स्पीड ऑफ वेव का डेरिवेशन आपको बहुत सिंपली बता दूंगा कैसे करना है. सबसे पहले बात करता हूं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग. एक रस्सी के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है उसकी स्पीड क्या होती है. अब यहां से वेव को ट्रेवल करने के लिए दो फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं. ये स्ट्रिंग थी, इसके अंदर मैंने जर्क प्रोड्यूस करा, इस टाइप से वेव ट्रेवल करेगी. ध्यान से सुनना, कौन कौन से दो फैक्टर होते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है. कौन कौन से दो फैक्टर होते हैं जो एक वेव को ट्रेवल कराने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से दो फैक्टर होते हैं? व्हाट आर द टू फैक्टर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल द वेव फ्रॉम वन पार्टिकल, फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर. एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, मतलब वेव को ट्रेवल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम रिक्वायर्ड टू प्रोपेगेट अ वेव. एक वेव को चलाने के लिए कौन कौन सी मीडियम रिक्वायर्ड होंगी? इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया. बहुत बढ़िया आंसर. चलिए, आदर्श का आंसर इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, जो कि एक बहुत करेक्ट आंसर है. उसको इलास्टिसिटी और इनर्शिया चाहिए होता है, इनर्शिया रिक्वायरमेंट होती है. अमन का आंसर, अमन माथुर का भी आंसर यही है, माथुर ही है ना. चलिए बहुत बढ़िया, उसका आंसर भी यही है, इनर्शिया रिक्वायर्ड होता है. चलिए बहुत बता रहा हूं, इसके अंदर जो वेव वेलोसिटी है दो फैक्टर पर डिपेंड करेगी. पहले तो इलास्टिसिटी, मतलब इसको वापस कौन लेके आएगा, क्या यहाँ पे कोई चीज है जो स्ट्रिंग को वापस ले आएगी. अब ये स्ट्रिंग अपने आप तो वापस आने से रही, कोई ना कोई तो इसके अंदर ऐसी चीज होगी जो इसको वापस लेके आएगी, कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जो इसको अपनी पोजीशन पे वापस लेके आएगी. तो वो कौन सी चीज है जो इसको वापस लेके आ रही है? जब मैंने इसके अंदर जर्क प्रोड्यूस करा, इसके अंदर आ गई टेंशन. वो टेंशन इसको वापस लेके आएगी, वो टेंशन इसका इलास्टिक फैक्टर है. क्लियर होगी बात? रीस्टोरिंग फोर्स, वो रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी है? टेंशन. टेंशन इसको अपनी पोजीशन पे वापस ले जाएगी. जो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी, वो टेंशन इसकी इलास्टिक फैक्टर का काम करेगी, इसको अपनी पोजीशन पे वापस लेके आएगी. और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी, इसके अंदर मास होना चाहिए. तो किस पे डिपेंड करेगी? इसके मास पर यूनिट लेंथ पे. इसका एक यूनिट लेंथ पे मास कितना है? जितना ज्यादा मास होगा उस पर डिपेंड करने, मतलब जितना ज्यादा मास होगा डिपेंड करेगा मास बढ़ने से क्या होगा उसके अंदर. ये कौन सा होगा इसका इनर्शियल फैक्टर. इतनी बात क्लियर होगी. दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, पहला फैक्टर इलास्टिक फैक्टर, वापस कौन लेके आ रहा है. दूसरा फैक्टर इसका इनर्शियल फैक्टर, मास कैसे स्टोर हो रहा है, क्योंकि ये 1D फिगर है, इसमें मास पर यूनिट लेंथ होगा, तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है. अब आपने डायमेंशंस पढ़े होंगे, पावर ए, इसकी पावर बी. डेरिवेशन नहीं कराने वाला, डायमेंशंस को कंपेयर करते ही आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? के अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू. डायमेंशंस को कंपेयर करोगे, ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू -1/2, ये वैल्यूज आने वाली है. और कंपेयर करते ये वैल्यू हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटली ये आंसर आ गया आपका, एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू 1 फाइंड कर ली, सो वेलोसिटी विल बिकम अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू. इतनी बातें क्लियर होगी, ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या बोल रहा हूं, एक रस्सी के अंदर जो वेव ट्रेवल करेगी, फिर दोबारा पूछूंगा इसी चैप्टर में, दोबारा इसी वीडियो में पूछने वाला हूं आपसे, एक रस्सी के अंदर जो वेव ट्रेवल करेगी उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट टी बाय म्यू होता है. इतनी बात क्लियर होगी, वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, क्लियर? चलिए अब इसके बाद बात करता हूं एक और बात. कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं इसके अंदर, बहुत सारे न्यूज लीनियर मास डेंसिटी कह सकते हो, क्योंकि 1D फिगर है तो लीनियर मास डेंसिटी होगा. इस चैप्टर में से जितने क्वेश्चन बनवा सकते हो आप बना सकते हैं इसके अंदर से. हम एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर से एक टीचर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है. सो मैं आपसे एक पॉइंट और पूछने वाला हूं, जो बता चुका हूं उस पॉइंट को फिर आपसे पूछ रहा हूं, बस एक सिंपल सी पॉइंट. ट्रांसवर्स वेव कहां ट्रेवल कर सकती है, जिसका शेप चेंज हो सकता है, वो रिक्वायरमेंट होगी. आपको बताया गया, एक तो रस्सी का, मतलब ये स्ट्रिंग का शेप चेंज हो जाता है, एक स्ट्रिंग का शेप चेंज कर सकते हो. और कौन सी ऐसी बॉडी है जिसका शेप चेंज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में फटाफट से.
सॉलिड्स क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में तो ट्रेवल करती है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर ट्रेवल कर सकती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर ट्रेवल कर सकती है? स्पॉन्ज, रबर्ड, सॉलिड्स, स्पीकर, अच्छा स्पीकर, चलिए उसके अंदर भी सॉलिड्स वाइब्रेट होते हैं वहां पे, सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एक बॉडी का, आशुतोष का आंसर भी अच्छा है, आदर्श का, सॉरी आदर्श का आंसर भी सही है, फ्री सरफेस, स्पॉन्ज लिक्विड के अंदर ट्रेवल करती है, बहुत बढ़िया आंसर, लिक्विड सॉरी लिक्विड के फ्री सरफेस पे ट्रेवल करती है और सॉलिड्स के अंदर ट्रेवल करती है। वायर, वायर हो चुका है ये वाला, वायर हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड, ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड, सॉलिड के अंदर कौन ट्रेवल कराएगा इसको? देखिए फिर बता चुका हूं, यहीं से सीधा कंपेयर करूंगा, वेलोसिटी डिपेंड करेगी इलास्टिक फैक्टर पे, वेलोसिटी डिपेंड करेगी इनर्शियल फैक्टर पे, क्योंकि सॉलिड एक 3D फिगर है, तो यहां पे डिपेंड करेगी उसकी डेंसिटी पे, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम पे, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम पे। ध्यान से सुनना, 1D फिगर दी, एक एक्सिस चेंज हो रही थी, मास पर यूनिट लेंथ म्यू, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ये तो पता चल गया, इसका इनर्शियल फैक्टर डेंसिटी है, इसका इनर्शियल फैक्टर डेंसिटी है, लेकिन इसको इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करेगा, इसको अपनी शेप पे वापस कौन लेके आएगा? सॉलिड अपनी शेप को रीगेन क्यों करता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है, शियर मॉडुलस, क्योंकि इसके पास क्या होता है, शियर मॉडुलस, क्योंकि सॉलिड के पास शियर मॉडुलस था तभी इसके अंदर क्या आ रही थी, ट्रांसवर्स वेव आ रही थी, अदरवाइज इसके पास ट्रांसवर्स वेव ना थी। तो इसका शियर मॉडुलस, इसका शियर मॉडुलस क्या प्रोवाइड करेगा, इसको इलास्टिक फैक्टर प्रोवाइड करेगा, दिस इज कॉल्ड एन इलास्टिक फैक्टर ऑफ सॉलिड, दिस इज द इलास्टिक फैक्टर ऑफ सॉलिड। तो आपने रिप्लेसमेंट करनी है सिर्फ, जब मैंने स्ट्रिंग की वेव निकाली, स्ट्रिंग की स्पीड निकाली, अंडर रूट ऑफ इलास्टिक फैक्टर, अंडर रूट ऑफ इलास्टिक फैक्टर डिवाइडेड बाय इनर्शियल फैक्टर आ रहा था, डिवाइडेड बाय इनर्शियल फैक्टर आ रहा था। क्लियर? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है, यही रिजल्ट आएगा। वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, दैट इज अंडर रूट ऑफ इलास्टिक फैक्टर डिवाइडेड बाय इनर्शियल फैक्टर। तो यहां पे सॉलिड के अंदर अंडर रूट ऑफ इसका इलास्टिक फैक्टर कौन है, शियर मॉडुलस, इसका इनर्शियल फैक्टर कौन सा है, रो, अंडर रूट ऑफ नीटा बाय रो, अंडर रूट ऑफ नीटा बाय रो। क्लियर होगी बात, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ नीटा बाय रो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर दो, ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर दो, देखिए जरा, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां कहां से ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में भी जा सकती है, गैसेस में भी जा सकती है, सबके अंदर ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड और गैसेस के अंदर जा सकती है। तो सबसे पहले डिस्कस कर दो स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ गैस और लिक्विड, इन अ गैस और लिक्विड, बेसिकली इसके अंदर ही ट्रेवल करती है ये, सॉलिड्स के अंदर भी होती है, सॉलिड्स की भी बताया जाएगा, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस इन तीनों के अंदर ट्रेवल करती है। पहले गैस और लिक्विड की बात करता हूं, ठीक, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के अंदर, लेकिन पहले किसके अंदर रिक्वायरमेंट, पहले किसकी बात करूंगा, गैस और लिक्विड की। सो यहां से फिर इसको वेलोसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, एक तो उसका क्या हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक उसके मास पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, दूसरा दिस इज द इनर्शियल फैक्टर, ये कौन सा इनर्शियल फैक्टर, ये इसका इनर्शियल फैक्टर है, दूसरा फैक्टर होगा इलास्टिक फैक्टर। क्या कोई बता सकता है भी एक गैस को वापस शेप में रीगेन कौन कराता है, उसका इलास्टिक फैक्टर कौन सा होता है लिक्विड और गैसेस के अंदर, बताइए कमेंट सेक्शन में। जैसे यहां पे शियर मॉडुलस था, यहां पे शियर मॉडुलस था, शियर मॉडुलस सॉलिड का उसकी शेप को रीगेन करा देता है, उसकी शेप को रीगेन करा देता है, ठीक। ऐसा कौन सा फैक्टर होता है गैसेस और लिक्विड के अंदर जो उसकी शेप को रीगेन कराता है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया आंसर, बल्क मॉडुलस, बहुत प्यारा सा, बहुत बढ़िया सा आंसर, दैट इज बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस विल प्रोवाइड, यहां पे बल्क मॉडुलस उसको वापस लेके आएगा, बल्क मॉडुलस उसको वापस लेके आएगा, और अगर बल्क मॉडुलस वापस लेके आया तो फॉर्मूला विल बिकम अंडर रूट ऑफ के बाय रो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ के बाय रो। देखिए फॉर्मूला कंपेयर करने कितने आसान है, एक वेव को ट्रेवल कराने के बाद उसकी स्पीड कितनी होती है बताना बहुत ईजी है, बहुत ईजी फॉर्मूला है, क्लियर। इसके बाद ध्यान से सुनना, तीसरी बार डिस्कस करता हूं, तीसरी बार डिस्कस करता हूं, तीसरी चीज, अब सॉलिड के अंदर कितनी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ सॉलिड, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ सॉलिड। देखिए ये फैक्टर में ज्यादा यूज नहीं करने वाला, इस चैप्टर के अंदर ज्यादा यूज नहीं करने वाला। वेलोसिटी फिर से दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, एक तो डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरा इसको शेप में कौन रीगेन कराएगा, क्योंकि सॉलिड के पास बल्क मॉडुलस भी होता है और शियर मॉडुलस भी होता है, तो दोनों मिलकर प्रोवाइड करेंगे।
इसके पास बल्क मॉडुलस भी होता है, शेयर मॉडुलस भी होता है, दोनों मिलकर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन यहां पे एक फैक्टर आएगा 4/3। कुछ स्टूडेंट पूछेंगे 4/3 क्यों आया। देखिए इसका जो आंसर है वो आपको अपनी हायर स्टडीज में मिलेगा। आप फिलहाल के लिए क्लास 11, 12 या जब भी आप अपना कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो उसके लिए पॉइंट याद रखने वाले हो। एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव दैट देयर इज अ फैक्टर ऑफ 4/3 विद नीटा, क्योंकि दोनों मिलकर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, सो वेलोसिटी विल बिकम अंडर रूट ऑफ के प्लस 4/3 नीटा डिवाइडेड बाय रो, डिवाइडेड बाय रो। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, के प्लस 4/3 नीटा डिवाइडेड बाय रो। इसके अंदर हमने क्लास 12th में ज्यादा यूज नहीं करना, इसके अंदर हमने क्लास 12th में ज्यादा यूज नहीं करना, ये क्लास 11th में ज्यादा यूज नहीं करना। जो हमारा यूज है वो गैसेस और लिक्विड के अंदर है, वहां पे बल्क मॉडुलस प्रोवाइड करेगा, वहां पे बल्क मॉडुलस प्रोवाइड करेगा। चलिए अब इसके बाद डिस्कशन करता हूं स्पीड ऑफ साउंड की। एक ऐसा टॉपिक जो 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। तो अभी जो अभी तक वीडियो नहीं देख रहे थे उनके लिए काम का वो टॉपिक है। अब ये सारे ये कहेंगे भी 50 मिनट बाद तो काम का टॉपिक आया, 50 मिनट तक तो वीडियो ऐसे ही चल रहा था, अभी कमेंट जाएंगे देखना। लेकिन क्या बताऊं भी उनके अंदर बिना जो वेव का बेसिक कराए, बिना वेव का बेसिक कराए हम ये चीज डिस्कस नहीं कर सकते थे। अगर आपको वेलोसिटी के बारे में पता ही नहीं है तो वेलोसिटी को कैसे ट्रेवल, साउंड को कैसे ट्रेवल कराओगे, कैसे ट्रेवल करते है? जब यही नहीं पता होगा तो कैसे समझ आएगा ये टॉपिक, कैसे डिस्कस करेंगे हम। चलिए मैं डिस्कस करता हूं इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड। ठीक, स्पीड ऑफ साउंड। अब यहां पे हुई लड़ाई, क्यों हुई लड़ाई, किसके बीच में, न्यूटन और लैपलेस के बीच में। मतलब यहां पे न्यूटन पहली बार गलत हुआ था, यहां पे न्यूटन पहली बार गलत हुआ था, मतलब न्यूटन की गलती मिली हमारे को नहीं, लैपलेस को मिली थी। लैपलेस नाम से एक और साइंटिस्ट था जिसको न्यूटन की गलती मिली, क्या गलती थी वो देखना। अब आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाय रो, अंडर रूट ऑफ के बाय रो। सो न्यूटन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव द आइडिया अबाउट स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के बारे में किसने बताया, न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बोला, अच्छा साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, सभी को पता है साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ये किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर देना, इसका मतलब है हाई डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाना। रेयरफैक्शन का मतलब है लो डेंसिटी। अगर एक जगह मैंने कंप्रेशन कर दी, बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे कर दिए, ठीक, ध्यान से सुनना, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मैंने इकट्ठे कर दिए तो वहां पे मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन होगा। अगर मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन हुआ, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से उनका मोशन बढ़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ जाएगी। जहां पे कंप्रेशन बढ़ता है वहां, जहां कंप्रेशन होता है वहां हीट बढ़ती है, ये न्यूटन बता रहा था। भी क्या बोल रहा था, भी जहां पे कंप्रेशन होगा वहां हीट बढ़ेगी, और जहां पे रेयरफैक्शन होगा वहां पे हीट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर पड़े होंगे, उनकी ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना हीट बढ़ेगी, उसकी हीट कम रहेगी। यहां पे हीट कम है और यहां पे हीट क्या है, ज्यादा। इतनी बात क्लियर होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। साउंड वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में ट्रेवल करती है। जहां कंप्रेशन होगा वहां हीट बढ़ेगी, जहां रेयरफैक्शन होगा वहां हीट कम होगी। न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने ये कह दिया जितनी हीट यहां बढ़ रही है ये यहां पे चली जाएगी, तो हीट ओवरऑल चेंज नहीं होगी। न्यूटन सजेस्टेड दैट द अमाउंट ऑफ हीट दैट इंक्रीज इन अ कंप्रेशन विल गो टू दी रेयरफैक्शन वेयर सम कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। जहां पे हीट कम हुई थी वहां पे चली जाएगी। जितनी हीट यहां बढ़ी थी ये यहां पे जाके जहां हीट कम हुई थी हीट के लेवल को मेंटेन रखेगी, मतलब यहां पे हीट ना बढ़ेगी या ना कम होगी। अगर हीट ना बढ़ी ना कम हुई तो टेम्परेचर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट। तो न्यूटन ने क्या बोला था, ये आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल करती है, जो साउंड ट्रेवल करती है ना वो आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल करती है। इतनी बात क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, न्यूटन ने जो 16% बताया था वो गलत था, 16% गलत बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा हूं, भी न्यूटन ने क्या बोला, भी आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल करती है। आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल करने का मतलब जितनी हीट कंप्रेशन में प्रोड्यूस हुई थी उतनी यहां पे रेयरफैक्शन में आके कम होगी, क्लियर। तो इसने क्या बताया, आइसोथर्मल में ट्रेवल कर रही है, तो आइसोथर्मल में ट्रेवल कर रही थी तो क्या इसकी स्पीड गलत आई थी, तो वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपने थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ा।
यहां से दो वर्ड दो इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स से उठाऊंगा. PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. ये आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है PV कॉन्स्टेंट. अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं. देखिए डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको. P की पावर 1 है, 1 आगे पावर 0. P का डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान से सुनना. पहले P को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव V का करूंगा, V का डेरिवेटिव dV. फिर V को एज इट इज रखूंगा और P का डेरिवेटिव क्या होगा? dP. और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. इतनी बात क्लियर हुई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. P एज इट इज V का डेरिवेटिव, फिर V एज इट इज P का डेरिवेटिव. डेरिवेटिव एक-एक करके होता है, ठीक? डेरिवेटिव एक-एक करके होता है. और दूसरी बात क्या डिस्कस कर रहा हूं, मुझे निकालना क्या k. k कैसे निकलेगा? k इज बल्क मॉडुलस. इसका फार्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. इसका फार्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस का मतलब कितना प्रेशर बढ़ाया, स्ट्रेस का मतलब कितना प्रेशर बढ़ाया, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, कितना प्रेशर चेंज करा मतलब स्ट्रेस. कितना प्रेशर चेंज करा मतलब स्ट्रेस अप्लाई करा. कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस करा मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. एक नेगेटिव साइन में लगा लेता हूं क्योंकि यहां पे वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम कम होगा, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या बोल रहा हूं? डिफरेंशिएट करा P एज इट इज डेरिवेटिव V का, फिर V को एज इट इज डेरिवेटिव किसका होगा? P का. फिर इसके बाद मुझे इस K की वैल्यू निकाल लिया और K का फॉर्मूला आपको बता दिया. K का फॉर्मूला आपको बता दिया. डू वन थिंग, इस पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव कर दो. PdV विल बिकम इक्वल टू माइनस VdP. PdV विल बिकम इक्वल टू माइनस VdP. तो यहां से P की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस VdP अपॉन V. माइनस VdP अपॉन dV. ये dV नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये dV नीचे डिवाइड हो जाएगा. अभी देखिए पीछे की तरफ मैंने फॉर्मूला निकाला, एक वहां पे फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला किसका है? K का. सो प्रेशर विल बिकम इक्वल टू K. प्रेशर विल बिकम इक्वल टू K आइसोथर्मल. न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने क्या बोला था? वेव आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल करेगी. वेव आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल करेगी. जितना रेयर कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस होगा उतना रेयर फैक्शन में कम हो जाएगा. उतना रेयर फैक्शन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्लियर? उतना ही रेयर फैक्शन में क्या हो जाएगा? हमारे पास कम हो जाएगा. अब ध्यान से सुनना, ये पी के आइसोथर्मल, के की वैल्यू किसके बराबर आ गई? पी के. वेलोसिटी विल बिकम अंडर रूट ऑफ पी बाय रो. वेलोसिटी विल बिकम अंडर रूट ऑफ पी बाय रो. इतनी बात क्लियर होगी? जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ पी बाय रो. अब एट एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होगा? एट एसटीपी प्रेशर कितना होता है हमारे पास? 1 बार, दैट इज 10 रेज टू पावर 5 पास्कल. और डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है? 1.293 मीटर पर सेकेंड. 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज अ डेंसिटी नॉट स्पीड. किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इन वैल्यूज को यहां पे पुट करूंगा तो वो वेलोसिटी आ जाएगी 280 मीटर पर सेकेंड. तो क्या देख रहा हूं? न्यूटन ने जो स्पीड बताई थी साउंड की वो 280 थी, बट मैं थ्योरेटिकल वैल्यू दी है. अगर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं ना, अब साउंड का एक्सपेरिमेंट कैसे होता है? एक मैं कोई एक ऐसा साउंड रिफ्लेक्टर लगा लेता हूं, यहां से बोलना शुरू करता हूं. क्या देखता हूं? साउंड रिफ्लेक्ट होके मेरे पास वापस आ रही है. क्या साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है? क्या आपने कहीं सुना साउंड वेव रिफ्लेक्ट होगी? ठीक. नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वन एंड द सेम थिंग. ध्यान से सुनना, क्या बोलने वाला हूं इसके अंदर. मैंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा, स्पीड आ रही थी 330 से 340 के बीच में, 330 से 340 के बीच में, लेकिन न्यूटन की स्पीड आई 280, जो एक गलत वैल्यू थी, जो एक गलत वैल्यू थी. दिस वैल्यू इज 16% लेस या 15% लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से 16% कम थी. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 331 मीटर पर सेकेंड. तो न्यूटन गलत हो गया. भी उसने जो बताया था भी आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल करती है. हाँ, इको में रिफ्लेक्ट होती है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है. गूंजती है जब आवाज, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आपने देखा हुआ है इसके अंदर. क्लियर? तो न्यूटन गलत हो गया यहाँ पे. न्यूटन ने क्या बोला था? भी आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रेवल करेगी, बट आइसोथर्मल में तो उसकी आंसर आ रहा है 280, बट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो तो 331 है, वो तो 331 है. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब इसके बाद आया, न्यूटन ने गलत बताया, तो उसके बाद आए लैपलेस जी. लैपलेस जी ने क्या बताया? लैपलेस जी ने क्या बताया? चलिए मान लिया यहाँ पे हीट बढ़ रही है, लेकिन मान लिया यहाँ पे हीट कम हो रही है, ये बता दिया उन्होंने भी कंप्रेशन में हीट बढ़ती है, कंप्रेशन लो, सॉरी, जहां रेयर फैक्शन होता है वहां पे हीट कम होती है. लेकिन जो न्यूटन जी ने बताया दैट यहां से यहां हीट ट्रांसफर हो जाती है, ये पॉइंट गलत था, क्योंकि ये कंप्रेशन और रेयर फैक्शन इतनी जल्दी बनते हैं कि यहां पे यहां से यहां तक हीट जाने का टाइम ही नहीं मिलता.
ठीक, न्यूटन सॉरी लेप्लेस सजेस्टेड दैट द कंप्रेसर एंड रेयर फ्रिक्शन आर फॉर्म सो रेपिडली द कंप्रेसर एंड रेयर फ्रिक्शन आर फॉर्म सो रेपिडली दैट हीट विल नॉट गेट इनफ टाइम टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ कंप्रेशन टू द रीजन ऑफ रेयर फ्रिक्शन. कंप्रेशन से रेयर फ्रिक्शन में जाने का टाइम नहीं मिलेगा. इसका मतलब यहां से हीट इधर नहीं आ रही, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो इसका मतलब यहां पे ये एडियाबेटिक कंडीशन में ट्रेवल करेंगी. ये किस कंडीशन में ट्रेवल करेंगी? एडियाबेटिक कंडीशन में ट्रेवल करने वाली है. तो लेप्लेस ने क्या बोला? हीट विल नॉट गेट इनफ टाइम टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ कंप्रेशन टू द रेयर फ्रिक्शन, फ्रॉम द रीजन ऑफ रेयर फ्रिक्शन टू कंप्रेशन टू रेयर फ्रिक्शन, हेंस हीट ट्रेवल सॉरी हेंस साउंड ट्रेवल इन एडियाबेटिक कंडीशन. वो किस कंडीशन में ट्रेवल करती है? एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर ट्रेवल करती है. किस कंडीशन के अंदर ट्रेवल करेगी? एडियाबेटिक कंडीशन, दैट इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. दैट इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब इनके बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. अगर इसकी इक्वेशन निकाल लो, पीवी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करता हूं. अब ये इक्वेशन कहां से है? सब ये सोच रहे होंगे. अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए, वहां पे आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन मिलेगा. वहां पे आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन मिलेगा, दैट इज पीवी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर गामा इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, वेयर गामा इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. क्लियर है ये पॉइंट? ध्यान से सुनना इसके अंदर. अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? पहले पी को एज इट इज रखता हूं, वी की पावर को आगे लेके आऊंगा, पावर एक कम हो जाएगी. ये डेरिवेटिव करने का रूल, वी का डेरिवेटिव करा था साथ में क्या आएगा? डीवी प्लस वी रेस्ट पावर गामा को एज इट इज रखूंगा. पी की पावर वन है, वन आगे वन पावर आगे आएगी, पावर जीरो रह जाएगी. एंड एनीथिंग रेस्ट पावर जीरो इज वन, सो दिस विल बिकम डीपी. एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव. P gamma V raised to power gamma minus 1 dV is equal to minus V raised to power gamma dP. Clear? ये power एक कम है, ये gamma minus 1 है. ये पूरा cancel out होके power खत्म हो जाएगा. ये पूरा cancel out होके power खत्म हो जाएगा. So gamma P dV will become equal to minus V dP. Minus V dP. अब dV को divide करता हूँ. Gamma P is equal to minus V dP divided by dV. And this is the formula for K. And this is the formula for K. ये किसका formula हमारे पास? K का, that is bulk modulus. ये किसका formula हमारे पास? K का, that is bulk modulus. ठीक, ध्यान से सुनना. Gamma P will become equal to K. Gamma P will become equal to K. K की value यहाँ put करता हूँ. Velocity will become under root of gamma P by rho. Gamma P by rho. अब pressure की value तो आपको बता दी. At NTP और at STP you can see that. At STP standard temperature और pressure पे लेके जाऊँ. तो यहां पे गामा की वैल्यू, वैसे एनटीपी की बात भी कर सकते हो, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करता हूं. तो यहां पे प्रेशर कितना होता है? एक बार प्रेशर, एक बार डेंसिटी 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक, और ये जो गामा होता है, क्योंकि एटमोस्फेयर में मोस्ट ऑफ द गैसेस डायटॉमिक होती है, मोस्ट ऑफ द गैसेस डायटॉमिक होती है, और डायटॉमिक गैस का गामा की वैल्यू 7/5. अब मुझे कैसे पता 7/5 है? क्योंकि O2 N2 H2 ये गैसेस होती है. ठीक, O2 N2 H2 ये गैसेस होती हैं. गामा इज इक्वल टू 7/5 था ये, हमने काइनेटिक थ्योरी में कैलकुलेट करा, काइनेटिक थ्योरी में कैलकुलेट करा, ये वैल्यूज पुट करी, वेलोसिटी आ गई 331 मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. तो न्यूटन्स सॉरी लेप्लेस करेक्शन वॉज जस्टिफाइड. जो ये लेप्लेस करेक्शन थी ये जस्टिफाइड थी, ये बिल्कुल सही आ गई. So, आप ध्यान से सुनने वाले हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज न्यूटन्स फार्मूला, व्हाट इज न्यूटन्स फार्मूला एंड व्हाट इज लेप्लेस करेक्शन. न्यूटन गलत क्यों हुआ और लेप्लेस ने उसको क्या ठीक करा, लेप्लेस ने उसको क्या ठीक करा. ठीक, ट्राइटॉमिक में 9/7, बहुत बढ़िया आंसर. गामा की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, गामा की वैल्यू 7/5 आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे एटमोस्फेयर में, मोस्टली एटमोस्फेयर में H2 N2 और OT डायटॉमिक गैसेस होती हैं, और डायटॉमिक गैसेस की वैल्यू गामा की 7/5 होती है. कितनी वैल्यू होती है हमारे पास? 7/5. इतनी बात क्लियर याद रखिए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस 106 लाइक्स. लाइव वीडियो में 106 लाइक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने चैनल को अभी पूरा एक साल भी नहीं हुआ मेरे को शुरू किए हुए, एक साल भी नहीं शुरू हुआ, और इस एक साल में मैंने बहुत कुछ गेन करा, बहुत कुछ स्टूडेंट से सीखने को मिला है मुझे,
बहुत कुछ यहाँ पे मैंने सीखा भी, कैसे एक वीडियो को अपलोड करना है, कैसे वीडियो को बनाना है। फिर भी अभी भी अपने सीखने के प्रोसेस की तरफ हूँ, कैसे मैं सीख सकता हूँ कैसे वीडियोस अपलोड करने हैं। क्लियर? आप सभी मुझे सिखाते हैं भी इसके अंदर कैसे मेरे वीडियोस में रिव्यूज देके फीडबैक देके, वो सब आप सिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दीज लाइक्स। ये लाइक्स बहुत मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मेरे लाइक्स। चलिए एक बार और कमेंट सेक्शन में बता दो। देखिए अभी चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोग्रेसिव वेव बची है, डिस्प्लेसमेंट कर्व्स बची है, बाउंड्री इक्वेशंस है, स्टेशनरी वेव्स है, ऑर्गन टाइप में, स्ट्रिंग में, बहुत बड़ा चैप्टर है। 1 घंटा 5 मिनट का वीडियो हो चुका है। अमन माथुर जी, चलिए आपका नाम तो 2-3 बार ले दिया आज। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मतलब 1 घंटा 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो हो चुका है। एक बार सजेशन छोटा सा, देखिए मेरे बात भी इतनी एनर्जी नहीं है, मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपके लिए, मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा 2 लेक्चर्स में। अब दूसरा वीडियो, हाँ पार्ट टू, आई थिंक पार्ट टू बहुत बढ़िया। देखिए एफर्ट्स हमारी तरफ से भी पूरे हैं, लेकिन 1 घंटा 5 मिनट 6 मिनट से ज्यादा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? क्योंकि एनर्जी लगता है, सीधी सी बात है। वो एनर्जी 1 घंटा 5 मिनट 6 मिनट बाद थोड़ा सा लो होता चला जाता है, एंड लो एनर्जी मींस लेस एफिशिएंसी इन दिस। यहां पे लेस एफिशिएंसी होना, ठीक, और लेस एफिशिएंसी होने का मतलब आपके कंसेप्ट से थोड़ा सा भटकना, जो चीज मैं नहीं जानता, ठीक। कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए मेरी एनर्जी होनी जरूरी है, तभी स्टूडेंट्स के अंदर एनर्जी आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। तो आपको बता दूं, अब नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा जिसके अंदर डिस्कस करूंगा बाउंड्री इफेक्ट्स के बारे में, प्रोग्रेसिव वेव के बारे में, स्टेशनरी वेव के बारे में, ऑर्गन पाइप के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वी विल मीट इन द सेकंड पार्ट ऑफ वेव्स। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड पार्ट के अंदर बहुत जल्दी मिलेंगे, जिसके अंदर बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।